आज हमें ना टॉपिक करना है एडोलसेंट और अडल्ट लवर के बीच का डिफरेंस करना है हमने, ठीक है। उनके करेक्टरिस्टिक्स के बारे में हमने पढ़ना है। तो आप लोग ना अपनी कॉपी पेन निकाल के रखना, कुछ एक पॉइंट ना स्लाइड के अंदर से क्या हो गए, पता नहीं कहाँ चले गए। कहाँ तो क्या गए है, मतलब वो शायद स्लाइड में आ नहीं पाए, कुछ भी रीजन रहा हो। मैम, तो स्टेज ऑफ डेवलपमेंट का भी एक दो था ना, जो कि कंफर्म करना था, क्लियर करना था। हाँ, वो भी बताऊंगी अभी। वो पहले एडोलसेंट और अडल्ट लर्नर को शुरू करने से पहले वही करेंगे हम, लेट एडल्टहुड होंगे वो करेंगे, डोंट वरी। हमें आज एक तो ये टॉपिक कंप्लीट करना है, हमें इस चैप्टर पे बस कल कल का दिन और लगाना है, इसके अलावा इस चैप्टर पे और दिन हमें नहीं लगाने। थर्ड चैप्टर पे सिर्फ एक दिन लगेगा आपका, ठीक है। फोर्थ चैप्टर पे फिर वही 3 दिन लगेंगे, एंड फिफ्थ चैप्टर पे भी 2-3 दिन लगेंगे आपके। सिक्स्थ पे लग सकते हैं 3 से 4 दिन, सिक्स्थ बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। लेकिन एक बार अभी आपने समझ लिया तो फिर बहुत आसान हो जाएगा, फिर आप यही जो आपने हमने इतने सारे दिन लगाए हैं वो बड़ी आसानी से हम कवर कर पाएंगे, ठीक है। तो आज का टॉपिक हम पहले शुरू करते हैं, देन फिर आपके क्वेश्चन डाउट और वो क्लियर करते हैं। शुरू करूँ मैं अब? देखो, ये स्टेज ऑफ डेवलपमेंट है, मतलब यहाँ पे ना नाम दिए गए हैं कि जब 2 साल से पहले के बच्चे के अंदर जो चाइल्डहुड आता है उसको नाम क्या बोलते हैं, 2 से 6 को क्या बोलते हैं, 6 से 12 को क्या बोलते हैं, 6 से 12 एज ग्रुप के अंदर, ठीक है। 12 से 18 क्या होता है, 18 to 14 क्या होता है, 14 to 60, और यहाँ पे आएगा अबोव 60। मैं भी बताती हूँ आपको, देखो। सबसे पहले इन्फेंसी होगा आपका, यहाँ पे आप ना ये देखो चाइल्डहुड है ना, इसके आगे लिख लो ईयरली, थोड़ा साफ साफ लिख देते हैं। ठीक है, ये चाइल्डहुड के आगे लिखना है ईयरली। मैम, ईयरली मिस वाई ईयर 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 में तो एज ना। हाँ जी, ये इधर यहाँ पे इस तरफ आपके ये एज ग्रुप दे रखे, ये नाम दे रखे कि 2 से 6 एज ग्रुप के अंदर होते हैं ईयरली चाइल्डहुड, मतलब स्टार्टिंग वाला जो बचपन होता है, ठीक है, जो अर्ली बिल्कुल, हाँ अर्ली बिल्कुल, अर्ली अर्ली हाँ ठीक है। यहाँ पे आप अर्ली कर लेना, ये आपका लेट चाइल्डहुड बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे लेट नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा एडोलसेंस आएगा, यहाँ पे आएगा एडोलसेंस। ये लिख लेना, ठीक है। ये कहाँ आएगा? ये आएगा आपका फोर्थ पॉइंट पे, एडोलसेंस आया आपका फोर्थ पॉइंट पे। लेट चाइल्डहुड पे। हाँ जी, लेट चाइल्डहुड पे जो फोर्थ नंबर पे लिखा हुआ है वहां पे एडोलसेंस लिखना है आपको, ठीक है। गेस कर दो आप इसको। इसके पहले का लेट चाइल्डहुड प्रॉपर है, मतलब फर्स्ट स्टेज है इन्फेंसी, सेकंड है चाइल्डहुड, और थर्ड है लेट लेट एडोलसेंट, नहीं लेट चाइल्डहुड, ये तीसरा हाँ पॉइंट है। एडोलसेंस हाँ जी, है तीसरा, तीसरा है लेट चाइल्डहुड, फोर्थ है आपका एडोलसेंस। ओके। हाँ जी, अब बाकी आपका बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ थी और यहाँ पे अर्ली लिख लेना था। और मैम, लेट एडल्टहुड में ये 60 अबव या 40 to 60 ही रहेगा ये भी? अभी मैं वो भी करवाती हूँ, ठीक है, 1 मिनट। अभी स्क्रीन सही दिखाई दे रही है आपको? हाँ यस मैम। जी, यहाँ पे ना, यहाँ पे आपको करना है, इधर गलत है, इधर आपको करना है अबोव 60 के बाद, अबोव 60, ठीक है। हाँ जी, समझ रहे हो आप बात? यस मैम। हाँ जी, तो बस इतना ही, कुछ नहीं, नाम नाम याद करने आपको थोड़ा सा बस पता होना चाहिए कि जब 6 से 12 साल के जो एज ग्रुप के अंदर बच्चे आते हैं ना, उनको हम बोलते हैं क्या बोलते हैं, लेट चाइल्डहुड आया उनका, मतलब अब बचपना उनका ये थोड़ा सा खत्म होने की कगार पे है। अब यहाँ से आपका एडोलसेंस शुरू हो जाएगा, जहाँ पे क्या होती है, क्या शुरू होती है बच्चों की, टीनेजर
हाँ टीनेजर लगा सकते हैं तरीके से, यहाँ से टीनेजिंग टीनेजर स्टार्ट होते हैं, ठीक है। फिर हम बात करते हैं यंग अडल्टहुड, ठीक है। यंग मतलब अब अडल्ट होने की स्टार्टिंग है, ये स्टार्टिंग फेज है, यहाँ पे वो अडल्ट आ गया मिडल के अंदर, ठीक है। और यहाँ पे आ जाते हैं लेट अडल्टहुड जो कि 60 अबोव आते हैं, ठीक है, ये आप थोड़ा सा देख लेना। हाँ जी नेक्स्ट चलते हैं। देखो अब मैं ना इस वाले पोर्शन को थोड़ा जूम करती हूँ, पहले सिर्फ इतने को। हाँ जी दिखाई दे रहे हैं आप सभी को? हाँ जी, कोई भी माइक ऑन करके बताएं। यस अब मैम, थोड़ा एक्टिव रहा करो, फटाफट बोला जी करो। हाँ मैम, बिल्कुल, हाँ जी ठीक है। चलो अब बात करते हैं यहाँ पे ना हमें, अब देखो आपके पेपर में डिफरेंस करने से ना आपके पूरे कैरेक्टरिस्टिक्स भी समझ आ जाएंगे, आपको ये भी समझ आ जाएगा कि अडल्ट लर्नर का काम क्या होता है, एडोलसेंट लर्नर का क्या काम होता है, दोनों चीजें आपको समझ आ जाएंगी डिफरेंस करने से। और डिफरेंस से क्वेश्चन करना भी आसान रह जाता है कि आपको बड़े आसानी से इन दोनों के बीच में कंपैरिजन अच्छे से हो जाते हैं। तो पहले हम डिफरेंस करते हैं तो आपको ये दोनों चीजें समझ आ जाएंगी। सबसे पहले बोलते हैं कि भाई यहाँ पे तो आपके एडोलसेंट लर्नर की बात की गई है, मतलब जो बच्चे कहाँ से होते हैं, 12 12, या तो 12 to 18 होगा वो, या 10 to 19 होगा, नियरली इसी के आसपास होते हैं, 12 से 18 साल या 10 से 19 साल, ठीक है। अडल्ट के अंदर आ जाते हैं जो 18 साल के बाद बच्चे होते हैं, 19 साल के बाद, है ना, जिसके हम बोलते हैं कि जो वोट देने के लिए प्रिपेयर हो जाते हैं, मतलब एक तरीके से अडल्ट कैटेगरी के अंदर आ जाते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे लर्नर किस कैटेगरी का होता है, एडोलसेंट लर्नर के अंदर क्या होता है, लर्नर डिपेंडेंट होता है इस कैटेगरी के अंदर, लर्नर के अंदर जो स्टूडेंट होगा या जो लर्नर करने वाला स्टूडेंट नहीं, जो कोई भी सीखने वाला है वो टीचर के ऊपर डिपेंड होता है अपनी लर्निंग के लिए, ठीक है। लेकिन जो अडल्ट लर्नर होता है वो डिपेंडेंट नहीं होता, वो सेल्फ मोटिवेटेड होता है, ठीक है, सेल्फ डायरेक्टेड होता है, उसको पता होता है कि उसकी डायरेक्शन क्या है, उसको गाइड करने की इतनी जरूरत नहीं पड़ती, वो अपने आप से अपने आप को मोटिवेट कर लेता है, ठीक है। नेक्स्ट है रोल ऑफ लर्नर एक्सपीरियंस, यहाँ पे लर्नर का एक्सपीरियंस का क्या रोल है। एडोलसेंट के अंदर क्या है कि द लर्नर हैज अ लिटिल एक्सपीरियंस, लर्नर के पास बहुत कम एक्सपीरियंस होता है, ठीक है। इसका उनका एक्सपीरियंस बनता कैसे है, जो जो वो रिसोर्स यूज करते जाएंगे ना, जो भी चीजें वो एक्टिविटी करते जाएंगे वहां से उनका एक्सपीरियंस क्या होगा, बनता जाएगा, ठीक है। और एक्सपीरियंस ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ द इंस्ट्रक्टर इज मोस्ट इन्फ्लुएंस, क्या बोलते हैं कि जो एक्सपीरियंस है इंस्ट्रक्टर का बहुत ज्यादा उसको इन्फ्लुएंस करता है एक तरीके से, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखो जो यहाँ पे तो उनका एक्सपीरियंस बहुत कम होता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे लर्नर का एक्सपीरियंस, अडल्ट लर्नर का एक्सपीरियंस ज्यादा होता है अपनी लाइफ के बारे में, ठीक है। अलग अलग एक्सपीरियंस होते हैं उनके पास, अडल्ट आर रिच सोर्स ऑफ वन अनदर, एक दूसरे के बारे में वहां पे एक दूसरे के लिए इसमें इस तरीके से समझ सकते हैं हम। कोई बताएगा इस पॉइंट को किस तरीके से समझ सकते हैं? हम नहीं कौन सा इसका, वाला? हाँ मैं बताती हूँ, देखो इसका क्या मतलब है। देखो यहाँ पे पॉइंट है, अडल्ट आर रिच सोर्स फॉर वन अनदर, यहाँ पे तो अडल्ट ना मान लो एक पर्सन है वो भी अडल्ट है, एक पर्सन है ये भी अडल्ट है, अब ये दोनों एक दूसरे के लिए सोर्स का काम करते हैं, ये इसको कुछ सोर्स प्रोवाइड करवाते हैं, मतलब यहाँ इसको यहाँ से कुछ एक्सपीरियंस मिलने को मिलता है, इसको यहाँ से कुछ एक दूसरे को ना ये अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, ठीक है। तो इसलिए बोलते हैं कि अडल्ट के पास बहुत सारा सोर्स होता है, सोर्स क्वांटिटी ज्यादा होती है, मतलब उसके पास रिसोर्सेस ज्यादा होते हैं। अब कोई छोटा बच्चा नहीं है कोई, है ना, ऐसा ऐसा कह सकते हैं क्योंकि वो उस एज से निकले हैं, इस वजह से उनके हाँ हाँ पास बिल्कुल, उस एज का भी एक्सपीरियंस है। हाँ, ये बिल्कुल। अब जो 9th 10th क्लास के जो बच्चे होंगे उनके पास हमारे कंपैरिजन में एक्सपीरियंस बहुत कम होगा, हमारे पास सोर्सेस ज्यादा होंगे, हम एक हमारे अंदर एक्सपीरियंस भरा पड़ा है उनके कंपैरिजन में, ठीक है। लेकिन अगर हम हमारे पेरेंट्स के कंपैरिजन में देखें तो फिर हमारे अंदर एक्सपीरियंस उनके कंपैरिजन में क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक अडल्ट लर्नर के अंदर ना उसका एक्सपीरियंस उसकी आइडेंटिटी बनता है। अब एक बात बताओ, कई ना लोग ऐसे ऐसे होते हैं जो मतलब अडल्ट, मतलब अडल्ट का मतलब यहाँ पे लगा लो कोई 23 24 साल के बीच में, या 25 साल में, 30 साल में भी लगा लो, ठीक है। इस कैटेगरी क्या हो गया, ये 1 मिनट रुको, स्क्रीन हेलो नहीं दिखाई दे रही मैम, अब दिख अभी रही है। दिखाई दे हाँ रही है? हाँ जी
इस कैटेगरी के अंदर क्या होते हैं? देखो यहाँ पे क्या होते हैं कि अगर मान लो कोई 23 से 24 साल का बच्चा है, ठीक है, 25 साल का लगा लो या 20 से 30 साल की उम्र में लगा लो कोई भी। अब कई बार क्या होता है कि कोई अपने ऐसे कुछ मोटिवेशन बातें करते हैं, वो फेमस हो जाते हैं सिर्फ मोटिवेशनल थिंकिंग से। मतलब उसके ये जरूरी नहीं होता कि अगर आपकी एज ज्यादा है तो आपके एक्सपीरियंस भी ज्यादा होंगे। कई बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत कम एज में ही बहुत ज्यादा मैच्योर हो जाते हैं, बहुत कम एज के अंदर उन्होंने बहुत कुछ एक्सपीरियंस कर लिया होता है अपनी एज के कंपैरिजन में। तो वहां पे उनका जो एक्सपीरियंस है ना, उनकी आइडेंटिटी का काम करता है। उनका एक्सपीरियंस ही उनकी आइडेंटिटी होता है। अडल्ट लर्नर का एक्सपीरियंस उनका क्या बनता है? सोर्स बनता है सेल्फ आइडेंटिटी के लिए। ठीक है, देखो नेक्स्ट। देखो यहाँ पे बात करते हैं ओरिएंटेशन ऑफ द लर्निंग। अब देखो यहाँ पे जो लर्निंग प्रोसेस होती है ना एडोलसेंट लर्नर के लिए, वो सब्जेक्ट मैटर होती है। ठीक है, जो आपका सब्जेक्ट मैटर होगा वो ही एडोलसेंट लर्नर क्या करेगा, उसी की लर्निंग करता है ना। मतलब जो सिलेबस होगा, जो +1 +2 9th 10th में जो भी सिलेबस होता है, बच्चा वही सिलेबस तैयार करता है। और वही सिलेबस जो कंटेंट है उस यूनिट का, वही सीक्वेंस वाइज लॉजिकल वाइज अरेंज किया जाता है। लेकिन यहाँ पे जो अडल्ट लर्नर है वो अपने अपने वो लर्निंग कहाँ से करता है? वो लर्निंग करता है रियल लाइफ टास्क से, कुछ भी उसके रियल लाइफ सिचुएशन से वो लर्निंग करता है कि आज दिन में ऐसा कुछ हुआ जिससे उसने कुछ ना कुछ सीखने को मिला। मतलब यहाँ पे तो ये लगा लो कि लर्नर स्कूल टाइम में है, स्कूल पीरियड में, और यहाँ पे लर्नर लगा लो कि उसने अपनी स्टडी कंप्लीट कर ली, या ग्रेजुएशन बच्चों की 22 23 साल में हो जाती है। ठीक है, तो वहाँ पे वो अपना जो एक्सपीरियंस गेन करता है वो अपनी लाइफ से एक्सपीरियंस गेन करता है। ठीक है, वो ऑर्गेनाइज्ड करता है, लर्निंग इज ऑर्गेनाइज्ड अराउंड द लाइफ वर्क सिचुएशन। यहाँ पे जो उसकी लर्निंग है ना, उसकी लाइफ के अकॉर्डिंग अरेंज होती है। जैसी उसकी लाइफ होगा, जैसा उसका एनवायरनमेंट होगा, जैसा उसका काम होगा, उसकी लर्निंग वैसी होती है, ना कि कोई सब्जेक्ट मैटर नहीं होता यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, बच्चों के लिए सब्जेक्ट मैटर होता है, वो सब्जेक्ट की ही लर्निंग करते हैं। देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या है यहाँ पे कि मैम मोटिवेशन फॉर लर्निंग। हाँ जी मैम एक बार दोबारा क्लियर कर दीजिए ऊपर वाला ओरिएंटिंग ओरिएंटेशन हाँ जी, देखो ओरिएंटेशन ऑफ लर्निंग के अंदर क्या है कि जो एडोलसेंट लर्नर होते हैं ना, वो कहाँ से लर्निंग करते हैं? उसके लिए लर्निंग का सोर्स क्या होता है? उसके लिए होता है सब्जेक्ट मैटर, जो आपकी बुक्स होगी या जो भी आपका सिलेबस होगा, वो उसका क्या होता है, लर्निंग का सोर्स होता है। और वो एक अरेंजमेंट होती है कि उनमें हर एक चैप्टर की एक अपनी अरेंजमेंट होती है कि पहले ये चैप्टर करना है, फिर ये चैप्टर करना है, फिर ये चैप्टर करना है। लेकिन जब हम अडल्ट लर्नर की बात करते हैं तो वो अपने लाइफ के रेगुलर रूटीन से, लाइफ के अंदर जो भी उसके प्रॉब्लम्स आती है, जो भी टास्क आते हैं, वो उनसे ही लर्निंग करता है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, लर्निंग इज ऑर्गेनाइज्ड अराउंड द, उसकी लर्निंग कहाँ के, यहाँ पे तो देखो सिलेबस के अकॉर्डिंग ऑर्गेनाइज थी, लेकिन यहाँ पे उसकी लर्निंग किसके अकॉर्डिंग ऑर्गेनाइज है? लाइफ के अकॉर्डिंग, उसके काम के अकॉर्डिंग। जैसे उसकी लाइफ स्टाइल होगा, जैसे उसका काम होगा, उसी अकॉर्डिंग उसकी लर्निंग होगी, ना कि कोई सब्जेक्ट मैटर नहीं होता, कोई यूनिट नहीं होती। मतलब यहाँ पे वो क्या कर चुका है, अपना स्कूलिंग कंप्लीट कर चुका है, एक तरीके से फॉर्मल लर्निंग है वो उसने कंप्लीट कर ली। अब वो अपने इनफॉर्मल लर्निंग की तरफ है। समझ आई आपको बात? जी। देखो यहाँ पे मोटिवेशन कहाँ से मिलते हैं? जो एडोलसेंट लर्नर होते हैं उनको मोटिवेशन ना एक्सटर्नल मिलता है। उनको ये होता है, या तो उनको क्लास में फर्स्ट आना है, ठीक है, या तो उनको कोई प्राइज मिलेगा, या उनको कोई पनिशमेंट मिलेगी, या कंपटीशन करना है उनको, या किसी फेलियर की वजह से। तो उनका जो मोटिवेशन होता है यहाँ से आता है, एक्सटर्नल सोर्स से आता है, उनके अंदर खुद से नहीं आता। मेरे साथ भी ऐसा ही था। मेरे अंदर 9th 10th +1 +1 में तो चलो मेरे अंदर खुद से था, लेकिन 9th 10th तक तो मेरे अंदर ना सिर्फ ये था कि मेरे को मेरी कजन के साथ कंपटीशन करना है, और इसी को वो ही मेरा मोटिवेशन का कारण था, और उसी वजह से मैं पढ़ पाती थी। लेकिन अब क्या है, अडल्ट लर्नर के अंदर मोटिवेशन बाहर के किसी कारण की वजह से नहीं आता, उसके अपने अंदर से आता है। ठीक है, वो चाहते हैं अपनी लाइफ को एक बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ लेना, सेल्फ कॉन्फिडेंस। ठीक है, तो यहाँ उसके अंदर से आता है कि उसको खुद ये होता है कि मेरे को कुछ करना है, अपने आप को, अपनी रियलिटी को, अपने आप को जानना है। ठीक है, अपनी लाइफ को बेटर करना है। यहाँ पे उसका कोई एक्सटर्नल मोटिव नहीं होता, सिर्फ उसके अंदर से आता है। देखो नेक्स्ट पॉइंट, ये ध्यान देना थोड़ा सा, ये वाला पॉइंट यहाँ आएगा और ये वाला पॉइंट यहाँ आएगा। थोड़ा सा इसको छोटा कर देती हूँ मैं। ये वाला पॉइंट यहाँ है,
और ये वाला पॉइंट यहाँ है। तो फिर हम करते हैं डिमांड फॉर लर्निंग, ठीक है। यहाँ पे जो एडोलसेंट लर्नर की बात है, ये वाला पॉइंट इधर आएगा। लर्निंग कैन डेवोट मोर टाइम टू डिमांड ऑफ द लर्निंग बिकॉज द रिस्पॉन्सिबिलिटीज आर मिनिमल। यहाँ पे लर्नर ना, जो एडोलसेंट लर्नर है, जो बच्चा है, जो स्कूल टाइम पे है, वो ज्यादा टाइम दे सकते हैं अपनी पढ़ाई को। क्या दे सकते हैं? ज्यादा टाइम, क्योंकि उसके पास घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज कम होती है। छोटे बच्चे के पास, 9th 10th वाले बच्चों का काम सिर्फ क्या बोलते हैं घर वाले कि तुम पढ़ो, तुम्हारा काम सिर्फ पढ़ने का है। लेकिन जो अडल्ट लर्नर होते हैं, ठीक है, जो एक एज को क्रॉस कर चुके हैं, 20 to 30 की एज में है, उसको साथ में अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को भी मैनेज करना पड़ता है। उसको अपना घर का भी देखना होता है और उसी अकॉर्डिंग उसको अपना टाइम देना होता है लर्निंग में। मतलब यहाँ पे वो टाइम एज कंपेरिजन टू एडोलसेंट लर्नर कम दे पाते हैं। ठीक है, समझ आई आपको बात? ये याद रखना कि ये इधर है और ये इधर है। ऐसे ही इसके अंदर भी थोड़ी सी गड़बड़ है कि ये इधर आएगा और ये वाला पॉइंट इधर आएगा। अब बोलते हैं कि एडोलसेंट लर्नर के लिए तो लर्निंग करना कंपलसरी है भाई। एक बच्चे के लिए कम से कम प्लस टू करना तो कंपलसरी है, उसको करनी ही पड़ेगी प्लस टू, है ना। अब घर वाले ऐसे, अब आजकल तो एजुकेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो चुकी है, तो लर्निंग इज कंपलसरी। और यहाँ पे क्या होता है कि एक इंस्ट्रक्शन के बाद ना वो खत्म भी हो जाती है, डिसअपेयर भी हो जाती है। बच्चों को मान लो, अब उनसे कोई पूछ लो, आप 5th क्लास, मतलब मान लो कोई 7th क्लास का बच्चा है, 6th क्लास का टॉपिक पूछ लो, शायद वो भूल जाता है। मैक्सिमम बच्चे भूल जाते हैं कि 6th क्लास में हमने ये पढ़ा था। 10th वाले को 6th का पूछ लो, 10th वाले को 7th क्लास का पूछ लो, तो वो याद नहीं रखते, याद नहीं रहता उनके इतना, ठीक है। लेकिन लर्निंग यहाँ पे क्या होती है? कंपलसरी होती है। लेकिन जब हम अडल्ट लर्नर की बात करते हैं, वो उसकी लर्निंग कंपलसरी नहीं होती, वो अपने आप से, अपने मोटिवेशन से सीखता है। और जो वो सीखता है, वो उसका क्या रहता है, लॉन्ग टाइम के लिए रहता है। अडल्ट लर्नर जो लर्निंग करता है, वो उसकी लॉन्ग टाइम रहती है, ठीक है। ये नॉर्मल पॉइंट है, ये एज इट इज है। यहाँ पे एडोलसेंट लर्नर के, ये अडल्ट लर्नर के। देखो, एडोलसेंट लर्नर का जो क्लाइमेट होता है, मतलब उसका आसपास का एनवायरनमेंट, उसका खुद का क्या होता है, टेंस होते हैं स्कूल में बहुत। मतलब एक तरीके से टेंस रहता है कि उसके उसकी अपनी कम चलती है, टीचर्स की ज्यादा चलती है। टीचर्स पे इतना ट्रस्ट नहीं होता, ठीक है। फॉर्मल होता है बहुत ज्यादा, अथॉरिटी ओरिएंटेड होता है कि कोई ना कोई अथॉरिटी रहेगी, ठीक है। कंपिटिटिव और जजमेंटल होता है कि भाई एक दूसरे से वो कम्पीट करते हैं, एक दूसरे को जजमेंट करते हैं। लेकिन अगर हम अडल्ट लर्नर की बात करें, तो अडल्ट लर्नर का कैसा रहता है, वो रिलैक्स होते हैं। टीचर्स और आपस में एक दूसरे के बीच में ट्रस्ट होता है, म्यूचुअल रिस्पेक्ट होती है। टीचर भी स्टूडेंट दोनों की एक दूसरे के लिए उतनी ही रिस्पेक्ट होती है। ज्यादातर यहाँ पे क्या होती है, इनफॉर्मल होती है, ठीक है। और क्या होता है, सपोर्टिव भी होते हैं, और क्या होते हैं, कोलेबरेटिव भी होते हैं। सपोर्ट भी करते हैं एक दूसरे को, और एक दूसरे के साथ कोलैब भी करते हैं, मिलजुल के दोनों, टीचर और स्टूडेंट दोनों एक साथ काम करते हैं यहाँ पे। देखो, अगर हम बात करते हैं यहाँ पे डायग्नोज ऑफ नीड, मतलब कौन ऐसा, कौन पता करता है कि भाई अब किस चीज की जरूरत है एडोलसेंट लर्नर में। यहाँ पे टीचिंग सिस्टम या टीचर, ये काम डायग्नोज करने का काम टीचर टीचर का होता है, या जो टीचिंग सिस्टम है उनका होता है, या स्कूल वगैरह का। लेकिन यहाँ पे अडल्ट लर्नर के अंदर क्या होता है, यहाँ पे दोनों एक साथ काम करते हैं। लर्नर भी बताते हैं कि हमें किस चीज की जरूरत है, और जो लर्निंग करवा रहे हैं वो भी बताते हैं। यहाँ पे दोनों म्यूचुअल चलते हैं, एक दूसरे के साथ, एक दूसरे को साथ में लेके चलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे प्लानिंग ऑफ करिकुलम कौन करता है, आपके सिलेबस की, आपके करिकुलम की प्लानिंग कौन करता है? यहाँ पे टीचिंग सिस्टम करेगा या टीचर करेगा। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, लर्नर और जो लर्निंग करवाने वाला है, वो दोनों ही क्या करते हैं, म्यूचुअली साथ में एक दूसरे के साथ काम करके ही प्लानिंग करते हैं कि हमें ये करना है। वैसे देखा जाए तो हमारे कॉलेज में ऐसा नहीं होता, हमें तो बस बता दिया जाता है कि ये सब चीजें और ये आपको करनी है। बस इतना हो सकता है कि सिलेबस और करिकुलम में डिफरेंस क्या होता है। देखो, सिलेबस तो होता है कि जैसे आपका एक सेमेस्टर का है ना, एक सेमेस्टर के अंदर जो टॉपिक्स आपको करने हैं वो आपका सिलेबस है। लेकिन पूरे की पूरी मास्टर डिग्री में 2 साल के दौरान जो भी आपको पढ़ना है, जो आपकी एक्टिविटी करवानी है, वो सब पहले से डिसाइड होती है कि आपके फर्स्ट सेमेस्टर के बाद ये सेमिनार होगा, बीच में ये सेमिनार करवाना है, बीच में ये वर्कशॉप लगेगी, जो अदर एक्टिविटी होंगी, वो सारे की सारी इंक्लूडिंग। सिलेबस छोटा पार्ट है, करिकुलम बड़ा पार्ट है। करिकुलम के अंदर पूरे 2 साल का, पूरी एक डिग्री का सिलेबस, डिग्री की एक्टिविटी, डिग्री के सेमिनार, वर्कशॉप सारे आते हैं। लेकिन करिकुलम सॉरी सिलेबस में क्या आता है, सिर्फ एक टर्म का, एक सेमेस्टर का, फिर सेकेंड सेमेस्टर का, इस तरीके से होता है।
तो यहाँ पे हम ये बोल सकते हैं कि लर्नर और जो लर्निंग करवाने वाला है वो क्या करते हैं, डिसाइड कर लेते हैं कि भाई हमें ये एक्टिविटी किस तरीके से करनी है। मतलब एक तरीके से यहाँ पे म्यूचुअल होता है, कुछ हद तक होता है म्यूचुअल। ठीक है, यहाँ पे हम बताते हैं कि ऑब्जेक्टिव ऑफ लर्निंग क्या होता है। ऑब्जेक्टिव कौन सेट करता है यहाँ पे, टीचिंग के उद्देश्य सेट करने वाला कौन होता है यहाँ पे, टीचिंग सिस्टम जो भी टीचिंग करवा रहा है आपको। ठीक है, या ऑब्जेक्टिव पहले से ही डिटरमाइन किए हुए होते हैं, लेकिन यहाँ पे ऑब्जेक्टिव दोनों एक साथ ही डिसाइड करते हैं, लर्नर भी और लर्निंग करवाने वाला भी। मैम इसमें ऐसे बोल सकते हैं कि जी एडोलसेंस में जो है वो जी म्यूचुअली होगा सब कुछ, हाँ बिल्कुल, है म्यूचुअल ना? होगा, दोनों के कंसर्न के साथ होगा, ऐसे बोल सकते समझ रहे हो हैं। आप। और साथ में क्या होता है यहाँ पे, इनफ्लेक्सिबल होता है कि भी जो आपका ना एडोलसेंट लर्नर के अंदर जो आपने ऑब्जेक्टिव सेट किया है ना, उसको आप चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, कि 7th क्लास का उद्देश्य ये है कि आपको 7th क्लास को पास करना है ना, मेन मोटिव यही है कि 7th क्लास में अच्छे मैम नंबर ऐसे लेके बोल आपको। सकते हैं कि जो सिलेबस है उसका 7th क्लास का वो चेंज नहीं हो सकता, और हाँ रियल बिल्कुल, लाइफ में हम चेंज कर सकते हैं, ऐसे बोल सकते हैं। मतलब इस तरीके से बोल सकते हैं कि इनफ्लेक्सिबल है यहाँ पे, स्टूडेंट की नहीं चलती है, एक बार जो फिक्स कर दिया तो कर दिया। लेकिन यहाँ पे जो आपके ऑब्जेक्टिव है अडल्ट लर्नर के अंदर, वो चेंज हो सकते हैं, वो फ्लेक्सिबल होते हैं, उनको हम अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमने अपने जो ये कोविड टाइम आया था, वहां पे हमने अपने ऑब्जेक्टिव्स को थोड़ा चेंज किया, किस तरीके से हमें स्टडी करनी है। ठीक है, क्या क्या अब हमें अपने पॉइंट्स को इम्पोर्टेंस देनी है। नेक्स्ट क्या है, अब बताओ कि यहाँ पे डिजाइनिंग लर्निंग प्लान कौन करते हैं। तो भाई यहाँ पे ना टीचर डिजाइन करते हैं एडोलसेंट में, यहाँ पे फिक्स सिलेबस होते हैं, लॉजिकल सीक्वेंस होते हैं। लेकिन अगर बात करें किसकी, अडल्ट की, तो यहाँ पे आप कोई भी कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू लर्निंग करते हो, प्रोजेक्ट के थ्रू लर्निंग करते हो। ठीक है, या आप अपनी इच्छा से चीजों को सीक्वेंस करते हो, यहाँ पे आपको थोपा नहीं जाता कि आपको पहले ये करना है फिर ये करना है। अब मेरी मर्जी होती है कि मैं अपने टॉपिक को किस तरीके से सीक्वेंस करके अपनी मर्जी से मैं उस टॉपिक को कर सकती हूँ। ठीक है, लेकिन यहाँ पे बच्चों को बताया जाता है कि भाई उनको पहले से ही तैयार मिलता है सब कुछ, और यहाँ पे हमें खुद तैयार करना पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट है लर्निंग एक्टिविटी। लर्निंग एक्टिविटी यहाँ पे कैसी होती है एडोलसेंट लर्नर के बीच में, यहाँ पे जो लर्निंग एक्टिविटी होगी, ट्रांसमिटेड टेक्निक्स का यूज किया जाएगा, जो भी बच्चों की टेक्निक्स हम यूज करते हैं, मतलब पैसिव, जिसमें सिर्फ टीचर एक्टिव रहता है मैक्सिमम केसेस में। अब तो बहुत फर्क हो गया हमारे स्कूल सिस्टम में कि टीचर स्टूडेंट दोनों को इंपॉर्टेंस इक्वल दी जाती है, लेकिन बेसिक तौर पे अगर बोला जाता है तो एडोलसेंट लर्नर के अंदर क्या होते हैं कि पैसिव टीचिंग मेथड्स यूज किए जाते हैं, जिसमें टीचर ज्यादा एक्टिव होते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक्टिव, यहाँ पे तो बिल्कुल अडल्ट लर्नर के अंदर तो रीडिंग से ज्यादा प्रैक्टिकल चीजों पे फोकस किया जाता है, ट्रेनिंग पे फोकस किया जाता है ना, कि आपको कोई स्किल्स सिखा दी जाए। ठीक है, अब यहाँ पे पेस ऑफ लर्निंग कौन कंट्रोल करते हैं, टीचर यहाँ पे टाइमिंग कंट्रोल करता है। ठीक है, आपकी सारी सिचुएशन ऑफ लर्निंग कंट्रोल करते हैं, और यहाँ पे लर्नर खुद अपनी टाइमिंग को, अपने भाई उसके अंदर कितनी पेस का मतलब होता है कि क्षमता, एक तरीके से कैपेबिलिटी, आपके अंदर कितनी कैपेबिलिटी है लर्निंग की, वो सब लर्नर अपने आप डिसाइड करते हैं, लेकिन यहाँ पे टीचर डिसाइड करते हैं। ठीक है, अब इवेल्युएशन यहाँ पे कौन करता है, यहाँ पे सारा काम करते हैं टीचर, और ये जो नॉन रेफरेंस विद ग्रेड है ये आपका 6th चैप्टर में आएगा। ठीक है, 6th चैप्टर का टॉपिक है ये, वहाँ पे बड़ी डिटेल के अंदर है, वहां से आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। तो यहाँ पे भी टेंशन नहीं लेनी किसका मतलब क्या है, इसको भी फिलहाल के लिए छोड़ दो, आप बस इतना समझो कि यहाँ पे नॉन रेफरेंस ग्रेड है। यहाँ पे लर्नर क्या करेगा, लर्नर खुद भी देखो क्या करता है, डिसाइड करता है कि उसको किस तरीके से, वो खुद को भी खुद अपने एविडेंस को कलेक्ट करता है कि भाई मेरे अंदर क्या कमी रही। ठीक है, अपने साथियों के साथ करता है, अपने लर्नर के साथ करता है, एक्सपर्ट के साथ, सब मिलके करते हैं यहाँ पे। यहाँ पे सिर्फ टीचर करते हैं, यहाँ पे लर्नर, टीचर जो भी उसका लर्निंग करवाने वाला है, जो भी उसके साथी है, जो भी एक्सपर्ट है, वो सारे करते हैं। और यहाँ पे एक टर्म कौन सी यूज की जाती है, क्राइटेरियन रेफरेंस्ड। ठीक है, ये भी आपका 6th चैप्टर में है, बड़े अच्छे से कराएंगे इसको, अभी फिलहाल के लिए इतना समझ लो बस कि यहाँ पे ये टॉपिक है, मैम यहाँ पे 6th चैप्टर में करेंगे। होगा, ये कुछ डिफरेंस थे। हाँ जी हाँ मैम पेयर्स का मीनिंग क्या होगा? जी बोलो, कौन बोल रहे हैं। मैम पेयर्स का मीनिंग क्या होगा? पेयर्स
क्षमता। मैम, इट इज कलीग्स और पीपल हु आर अच्छा, ये आसपास वाले इसका पूछ रहे मेरे को। नहीं 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 के लोग मेरे को लगा क्या बेस ऑफ करते हैं। लर्निंग यहाँ से पूछ रहे हो आप। बेस ऑफ पीयर्स, पीयर्स का मतलब ये होता है कि आपके जो साथ काम करने वाले होते हैं, सहपाठी वगैरह होते हैं, है ना उषा जी? आई एम राइट? यस मैम, यस। हाँ, पीयर्स का मतलब ये होता है कि जो आपके साथ काम करने वाले होते हैं, आपके क्लासमेट हो गए, आपके दोस्त हो गए, है ना, वो उनको बोलते हैं। ये पेस ऑफ लर्निंग, पेस ऑफ ओके लर्निंग का मैम। मतलब होता है आपकी कैपेबिलिटी। मैं इसकी बात कर रही थी, क्षमता की बात कर रही थी। ठीक है, ये था हमारे कुछ डिफरेंस के पॉइंट थे एडोलसेंट और अडल्ट लर्नर के बीच में। आपको अच्छे से पढ़ लेना है, क्योंकि इसी टेबल में से आपका कोई ना कोई क्वेश्चन उठ के आ जाएगा, बस इससे ज्यादा नहीं आने वाला। अब हम थोड़ा सा फटाफट प्रैक्टिस ट्रिक्स ऑफ अडल्ट लर्नर कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे ना बहुत कम पॉइंट लिखे हुए, सिर्फ इसी पेज पे है। आपको वो पॉइंट मैं बोलती जाऊंगी और आपको अपनी नोटबुक में नोट कर लेना है। ठीक है, पहले जो ये 3 पॉइंट यहाँ पे लिखे हुए ना, उनको समझ लेते हैं कि इनका मतलब क्या है। बाकी के पॉइंट पॉइंट नोट नोट करने हैं आपको, और एक्सप्लेन मैं कर दूंगी। चलो फिर, सबसे पहले अब आपको समझ आ गया ना अडल्ट लर्नर कहाँ से है, जो 20 से 30 साल की उम्र में है ना, 19 से 30 के बीच में, स्टार्टिंग वाले। लेट अडल्टहुड की बात अलग है, लेकिन या वो भी लगा लो उसमें, वो भी इंक्लूड कर ही लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो, सबसे पहला पॉइंट क्या है आपका, ऑटोनॉमी। ये इसको ना हाईलाइट कर लेना यहाँ पे, ये हाईलाइट नहीं हो रखा, यहाँ से ये पॉइंट शुरू होता है। ऑटोनॉमी, ऑटोनॉमी का मतलब क्या होता है कि जो अडल्ट लर्नर होते हैं ना, उसके पास अपनी फ्रीडम होती है। ठीक है, वो अपनी सेंस ऑफ कंट्रोल एंड सेल्फ डायरेक्शन होती है उसके पास। उसके पास एक तरीके की फ्रीडम है कि वो अपने ऑप्शन को चूज कर सकते हैं, अपने आप को अपनी डायरेक्शन चूज कर सकते हैं कि मेरे को इस डायरेक्शन में जाना है, अपनी सेंसेस को कंट्रोल करके। ठीक है, अब क्या होता है, अगर एक बात बताओ, अडल्ट लर्नर की लर्निंग बड़ी अच्छी हो सकती है कब, जब उसको ना 2-3 ऑप्शन मिल जाए। अगर आपको आपको कोई बोल दिया जाए कि एक ये स्ट्रीम है, एक ये स्ट्रीम है, और एक ये स्ट्रीम है, इसका ये स्कोप है, इसका ये स्कोप है, और इसका ये स्कोप है, तो आपके माइंड में क्लैरिटी आ जाएगी कि मेरे को ये करना है या ये करना है या ये करना है ना। तो ये आपकी फ्रीडम है कि अब आप इनमें से कुछ भी चूज कर सकते हो। ठीक है, तो ऑटोनॉमी होती है यहाँ पे। नेक्स्ट क्या होता है, लर्नर हमेशा ना क्या होता है, अडल्ट लर्नर क्या होता है, गोल ओरिएंटेड होता है। ठीक है, उसका वो हमेशा अपने स्पेसिफिक गोल को अचीव करने की कोशिश करते हैं। क्या करते हैं, कोई भी उसका एक स्पेसिफिक गोल होगा और वो उसको क्या करने की कोशिश करेगा, अचीव करने की कोशिश करेगा, और वो सारी ही एक्टिविटी करेगा जो उसके गोल को अचीव करने में क्या करेगी, हेल्प करेगी। ठीक है, नेक्स्ट है कि अडल्ट लर्नर क्या होता है, प्रैक्टिकल भी होता है। ठीक है, अडल्ट लर्नर सारे काम ऐसे काम करना पसंद करते हैं जो प्रैक्टिकल नॉलेज से रिलेटेड हो। बहुत कम ही लोग थ्योरी पढ़ना पसंद करते हैं। अडल्ट आने के बाद तो हम ना थ्योरी से पक जाते हैं, और हमें ये होता है कि कोई भाई हमें प्रैक्टिकल नॉलेज सिखाए, हमारे एक्सपीरियंस से सिखाए, जिससे हमारी लाइफ, हमारा काम क्या हो जाए, इजी हो जाए, और हमें कोई स्किल मिले, हमारे अंदर कुछ डेवलपमेंट हो, है ना। तो अडल्ट लर्नर यहाँ पे क्या होता है, प्रैक्टिकल होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपको लिखना है कॉम्पिटेंस। कॉम्पिटेंस क्या बोलते हैं इसको? ठीक है, कॉम्पिटेंस, कॉम्पिटेंस, कॉम्पिटेंस ना, कॉम्पिटेंस। वो ओके, कंपटीशन से आता है तो कंपिटेंस। हाँ बिल्कुल, एंड द मास्टरी। ये एक पॉइंट नोट कर लेना। अब इसके अंदर क्या होता है, देखो अडल्ट जो होता है ना, ये मैं अब इरेज कर दूँ यहाँ से, चलो कोई नहीं, आप देखते रहो, इसी को समझो पहले क्या होता है। वो हर एक चीज के अंदर क्या चाहता है, एक तरीके से हर चीज के अंदर जो जो भी वो काम कर रहे हैं, जो भी वर्क प्लेस में कहीं पे भी कुछ भी स्किल्स जो वो गेन कर रहे हैं, उसके अंदर एक पूरे तरीके से वो नहीं बोलते, अच्छा पूरे तरीके से क्या बोलते हैं, अच्छा होना, निपुण मतलब एक तरीके से निपुण निपुण। निपुण मैम, हाँ बिल्कुल वही, हाँ बिल्कुल वही। तो वो अपने आप को हर तरीके से उस स्किल के अंदर एक लेवल, हाई लेवल पे लेके जाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, थीके?
और हर एक के अंदर क्या करता है, वो अपने आप को एक मास्टरी बनाना चाहते हैं कि मैं इस स्किल का क्या बन जाऊं, मास्टर बन जाऊं, मुझसे अच्छा ये कोई स्किल कर ही ना पाए। ठीक है, तो अडल्ट लर्नर के अंदर थोड़ा सा होता है कि भाई अब तो मेरे को कुछ बेटर करना है अपनी लाइफ में, बेटर अचीव करना है, किसी भी फील्ड के अंदर मास्टर होना है। अब हम योग भी करते हैं ना, तो योग के अंदर जो आसन भी करते हैं, तो लोग क्या सोच, अभी लोग क्या करते हैं कि मेरे को हर एक आसन अपने इतने परफेक्ट करने हैं कि मैं उनके अंदर क्या हो जाऊँ, मास्टर हो जाऊँ। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है आपका, लर्निंग बाय एक्सपीरियंस। नेक्स्ट पॉइंट नोट करो, लर्निंग बाय एक्सपीरियंस। नेक्स्ट है लर्निंग बाय एक्सपीरियंस। अब इस पॉइंट के अंदर क्या है, लर्नर कुछ भी चीजें, कोई भी लर्निंग जो कर रहा है वो अपने एक्सपीरियंस के बेस पे करता है। वो कुछ भी चीजें याद करने से ज्यादा काम करने पे विश्वास करता है कि मैं करके सीखना चाहता हूँ। करेगा तो एक्सपीरियंस बनेगा, किसी ना किसी चीज में पार्टिसिपेट करेगा तो वहां से उसका एक्सपीरियंस बना, और एक्सपीरियंस बनेगा तो क्या हो जाएगी, इसकी लर्निंग हो जाएगी। तो लर्निंग बाय एक्सपीरियंस। नेक्स्ट नेक्स्ट पॉइंट क्या है आपका, वेल्थ ऑफ नॉलेज। वेल्थ ऑफ नॉलेज, वेल्थ ऑफ नॉलेज। देखो नेक्स्ट पॉइंट के अंदर क्या है कि जब बच्चा चाइल्डहुड से, ठीक है, अपने बचपने से अडल्टहुड के बीच में आता है, तो उसके पास ना नॉलेज बढ़ती जाती है। अब आप पहले आपके पास पहले एक्सपीरियंस कम था और नॉलेज भी कम थी, धीरे धीरे करके जैसे जैसे आप स्टेज क्रॉस करते जाओगे, आपकी नॉलेज और आपके एक्सपीरियंस बढ़ते जाएंगे, आपकी नॉलेज की गहराई बढ़ती जाएगी। ठीक है, आपके नॉलेज की गहराई भी बढ़ती जाएगी और चौड़ाई भी बढ़ती बढ़ती जाएगी एक तरीके से, मतलब आप डीप सोचते जाओगे और साथ साथ में आपका वो नॉलेज का एरिया भी बढ़ता जाएगा। तो ये बोलते हैं कि जो अडल्ट लर्नर होते हैं वो वेल्थ ऑफ नॉलेज पे काम करते हैं कि भाई अपने एक्सपीरियंस को बिल्डअप करने का काम करते हैं, अपनी नॉलेज को एक्सटेंड करने का काम करते हैं, एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाने का काम करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इमोशनल बैरियर। नेक्स्ट पॉइंट लिखो इमोशनल बैरियर, सॉरी मैं लिख देती हूँ, इमोशनल बैरियर। इमोशनल बैरियर्स, अब जो अडल्ट लर्नर होते हैं ना उसके इमोशनल बैरियर भी बहुत होते हैं। जैसे जैसे इंसान, जैसे जैसे ह्यूमन बीइंग एक एज से निकलते हैं, तो उसके अंदर कुछ एंजाइटीज भी आ जाती है, कुछ कुछ घबराहट, कुछ गुस्सा, ठीक है, या कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी आती है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज पर्सन के बिहेवियर को चेंज कर देती है, उसको इमोशनली, कई बार क्या होता है इमोशनली चीजें उसको रोकती है लर्निंग करने से। तो ये भी एक अडल्ट लर्नर के बाद आते हैं कि वो इमोशनल भी, उसके कुछ बैरियर्स होते हैं, कुछ इमोशनली चीजें उसको रोक के रखती है। लेकिन जब हम बात करते हैं इसकी एडोलसेंट लर्नर के, तो वहां पे इमोशनल बैरियर्स नहीं होते, उसको उसका काम सिर्फ पढ़ने का होता है। लेकिन जब अडल्ट लर्नर होता है तो उसको सारी चीजें देखनी पड़ती है, अपना पढ़ना भी है और साथ में अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उनको भी पूरा करना है। तो इसलिए बोलते हैं कि उनके अंदर, उनके लर्निंग में एक बैरियर आता है, बैरियर मतलब रुकावट आती है, और वो रुकावट क्या होती है, उनकी इमोशनली होती है, इमोशनली भी उनको बहुत सारी चीजें हैंडल करनी पड़ती है। तो इसलिए यहाँ पे इमोशनल बैरियर भी क्या है आपका, एक पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट आप नोट करो, मीन्स रिजल्ट इमोशनल ओरिएंटेड। इमोशनल बैरियर मीन्स कि वो अपनी भावनाओं पे कंट्रोल कर सकते हैं कि कई बार भावनाएं रुकावट डालती है लर्निंग में अडल्ट लर्नर की। कंट्रोल तो कंट्रोल करेगा तो लर्निंग कर लेगा, लेकिन वो इमोशनल बैरियर एडोलसेंट के अंदर नहीं होते, अडल्ट के अंदर ज्यादा होते हैं, क्योंकि अडल्ट लर्नर सब चीजों को समझने लग जाता है, उसको आसपास की चीजों का पता चल जाता है ना, वो रिलेशनशिप्स को अच्छे से और उनकी अहमियत को समझता है। समझ रहे हो आप बात। मीन्स नेक्स्ट पॉइंट है रिजल्ट ओरिएंटेड। जो अडल्ट लर्नर होते हैं ना वो ये चाहते हैं कि वो जो भी, जो कुछ भी काम कर रहे हैं, जो भी स्किल्स वो गेन कर रहे हैं, जो भी लर्निंग वो कर रहे हैं, उस लर्निंग से उसको रिजल्ट मिले। ठीक है, हमेशा वो रिजल्ट की तरफ जाता है कि भाई मेरे को इस स्किल से, इस लर्निंग से, इस एक्टिविटी से क्या रिजल्ट मिल रहा है।
ठीक है, रिजल्ट ओरिएंटेड होता है वो। ये नहीं कि सिर्फ हमने, चलो स्कूल में बच्चे क्या होते हैं, रिजल्ट से कुछ नहीं मतलब, हमें तो क्लास पास करनी है। कई बार ऐसे सोचते हैं कि भाई पढ़ते हैं, पढ़ते जाओ कर लो, भाई रिजल्ट से इतना खास मतलब नहीं रखते कि पास हो गए ठीक है इतना काफी है। लेकिन एडवांस लर्नर क्या होते हैं, वो रिजल्ट ओरिएंटेड बहुत होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आउटसाइड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। क्या है आउटसाइड रिस्पॉन्सिबिलिटीज? ये यहाँ पे पूरी स्पेलिंग नहीं आएगी, आप लिख लेना आउटसाइड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। अब एडल्ट लर्नर के यहाँ बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी होती है, अपनी फैमिली के लिए, अपने फ्रेंड्स के लिए, है ना, अपने काम को लेके। तो इन सब रिस्पॉन्सिबिलिटीज को मेंटेन करके उसको अपनी लर्निंग करनी पड़ती है। ठीक है, तो यहाँ पे ये आउटसाइड रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट लिखो आप, आउटसाइड क्या बताया आपने? हाँ रिस्पॉन्सिबिलिटीज। हाँ आउटसाइड जी रिस्पॉन्सिबिलिटी में क्या हुआ है वो दोबारा बता दीजिए। हाँ जी, देखो आउटसाइड रिस्पॉन्सिबिलिटीज में क्या है कि जो अडल्ट लर्नर होता है ना, उसकी सिर्फ पढ़ने लर्निंग के अलावा बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है। लाइक उसकी अपनी फैमिली को लेकर रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, आउटसाइड मतलब उसको छोड़ के जो बाकी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, फैमिली की, फ्रेंड्स की, सोशल, उसकी कम्युनिटी की, उसके काम की, ठीक है, उसके वर्क की, उसको वो सब चीजें देखनी पड़ती है। और वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरा करके ही हमें क्या करना पड़ता है, लर्निंग। जैसे यहाँ पे हमारे पास ना बहुत सारी हाउस वाइफ है ना, उनकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनको घर भी देखना है, जॉब भी करते हैं बहुत सारे, अपने काम भी देखना है उनको, साथ में अपनी लर्निंग भी करनी है। तो ये अडल्ट लर्नर की लिमिटेशन भी बोल सकते हैं कि उनको दोनों चीजें मेंटेन करनी होती है। लेकिन एडोलसेंट लर्नर के अंदर आउटसाइड रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत कम होती है, उनका काम सिर्फ पढ़ने का होता है, और हमारा यहाँ पे काम बहुत सारी चीजें हमें एक साथ देखनी पड़ती है। ठीक है, ओके मैम, नेक्स्ट हमको बहुत पॉइंट। अच्छे से हाँ समझ जी में आ रहा है क्योंकि अपने आप को रख रहे हैं वो जगह पे। बिल्कुल बिल्कुल स्नेहा जी। नेक्स्ट देखो पोटेंशियल फिजिकल लिमिटेशन। नेक्स्ट पॉइंट है आपका पोटेंशियल फटाफट करते हैं, पोटेंशियल फिजिकल फिजिकल लिमिटेशन। अब जब अडल्ट लर्नर होता है, ठीक है, जो 20 to 30 एज में, या 20 के बाद जो है ना, 30, 40, 50 एज तक जो है, अब उनके एज कंपैरिजन टू एडोलसेंट फिजिकल लिमिटेशंस भी हो जाती है। छोटे छोटे बच्चे तो बहुत दूर दूर तक रेस लगा लेते हैं, शायद वही अगर लेडीज को बोल दिया जाए जो 35 है, 30 क्रॉस है, शायद उनसे इतना ना दौड़ा जाए। या क्या होता है, अगर बच्चों को कोई स्किल सिखानी हो हमें, ठीक है, बच्चों को साइकिल सिखानी हो, कार, बाइक, कुछ भी सिखाना हो, तो बड़ी जल्दी सीख लेते हैं। और यही चीज अगर हमें किसको सिखानी पड़े, एक अडल्ट को सिखानी पड़े जिसकी एज काफी है, मतलब ये लगा लो 30, 25, 30, 35 है ना, इनके अबोव है, तो उनको सिखाना एज कंपेरिजन टू एडोलसेंट क्या होता है मैक्सिमम केसेस में। मिनिमम कुछ एक तो होते हैं ऐसे केसेस, लेकिन मैक्सिमम केसेस में क्या होता है कि मुश्किल होते हैं, उनके अपनी लिमिटेशंस होती है। तो ये भी उनके लर्निंग में एक तरीके से, ये भी उनके करेक्टरिस्टिक्स का ही पार्ट है जो उनकी लर्निंग को अफेक्ट करते हैं, वो किसी भी तरीके से अफेक्ट कर सकते हैं, पोटेंशियल फिजिकल लिमिटेशन। ठीक है, हाँ मैडम ये पॉइंट रिपीट कर दीजिए ना। जी, देखो मैं बताती हूँ। देखो पोटेंशियल फिजिकल लिमिटेशन से मतलब क्या है, जैसे जैसे एज बढ़ती है ना, तो हमारी बॉडी भी उसी अकॉर्डिंग ग्रो करती है ना। अब लेकिन बच्चों के कंपैरिजन में एक जो अडल्ट होता है 25, 30, 35 एज का, ठीक है, मैक्सिमम केस की बात कर रही हूँ मैं। कुछ एक तो जैसे हम योग के स्टूडेंट हैं, तो हम तो बहुत ज्यादा एक्टिव होंगे, जो हम हमारी जो 35 या 40 की एज में होंगे, योग जो करते होंगे, रेगुलर एक्सरसाइज करते होंगे, वो काफी हद तक फिट होंगे, काफी हद तक एक्सरसाइज कर पाते होंगे। लेकिन हम मैक्सिमम पॉपुलेशन को लेके चल रहे हैं, मैक्सिमम लोगों को, वो क्या होता है, उनकी स्ट्रेंथ कम हो जाती है आफ्टर एज। एक एज के आने के बाद स्ट्रेंथ कम हो जाती है, लर्निंग पावर जो नॉलेज को गेन करने की जो एक एबिलिटी होती है, वो उनकी थोड़ी कम हो जाती है, किसके कंपैरिजन में, बच्चों के कंपैरिजन में। तो अगर उनको कोई स्किल भी सिखानी हो, तो हमें एज अ कंपैरिजन बच्चे, यंगर अडल्ट थोड़ा टाइम लेते हैं सीखने में। ठीक है, तो ये जो उनकी फिजिकल फिजिकल बॉडी स्ट्रक्चर है, फिजिकल जो स्ट्रेंथ है, वो भी एक जो पोटेंशियल है फिजिकल, वो एक लिमिटेशन का काम करता है। लिमिटेशन मतलब होता है कमी, एक तरीके से ये एक कमी है जिस वजह से उनकी लर्निंग अफेक्ट होती है।
हम जैसे वो समझ आई फोन आपको? सिखाना, हाँ हम जी, जैसे फोन हाँ मैडम, सिखाना हाँ होता तो जो एजेड लोग होते हैं बिल्कुल फोन सीखने में इजी, मतलब टाइम लगता है, वो बच्चे जल्दी सीख जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आजकल के बच्चे बस एक उनकी एक सोच जो थोड़ी बन चुकी होती है अपने अनुभव की या चीजों को देखते हुए, तो शायद इतनी तक में रह जाते हैं। हाँ, बिल्कुल। तो ये भी बोलते हैं कि भाई वहां पे जो लर्निंग है उनके पोटेंशियल फिजिकल लिमिटेशन बड़ा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। ठीक मैम, है, जैसे अब जैसे हम लोगों को ज्यादा रिकॉल करने में बहुत तकलीफ होती है, याद रखने में तकलीफ होती है, वो एक भी पॉइंट है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही है जी। नेक्स्ट पॉइंट लिखो आप, रिस्पॉन्सिबल फॉर सेल्फ, ये लास्ट पॉइंट है, रिस्पॉन्सिबल फॉर सेल्फ। रिस्पॉन्सिबल फॉर सेल्फ, देखो अब यहाँ पे क्या है, जो अडल्ट लर्नर होते हैं ना, एज कंपैरिजन टू बच्चों, बच्चे की फेलियर, ठीक है, बच्चे की सक्सेस, वो दोनों उसके पेरेंट्स और उसके टीचर, स्कूल सिस्टम पे डिपेंड करती है। बच्चे का बहुत कम रोल होता है उसकी सक्सेस में, खुद का। जैसा उसका टीचर उसको गाइड करेगा, जैसा उसका सिलेबस होगा, जैसे उसके पेरेंट्स उसको गाइड करेंगे, उसकी सक्सेस और फेलियर उतना ही ज्यादा अफेक्ट होगी। लेकिन लर्नर, जो अडल्ट लर्नर होता है, वो अपनी सक्सेस का और अपनी फेलियर के लिए खुद रिस्पॉन्सिबल होता है, क्योंकि उसको पता होता है कि भाई जब वो सारे काम खुद से कर रहे हैं ना, उसने अपना फील्ड खुद सिलेक्ट किया है, वो अपने अकॉर्डिंग सब चीजें मैनेज कर रहे हैं, तो वो उसकी सक्सेस और फेलियर पे वो खुद ही रिस्पॉन्सिबल है, उसमें हम किसी और की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं डाल सकते। लेकिन अगर एडोलसेंट लर्नर की बात करते हैं, तो वो डिपेंड करते हैं टीचर पे, स्कूल के एनवायरमेंट पे, ठीक है, पेरेंट्स के एनवायरमेंट पे, वो खुद पे बहुत कम डिपेंड होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो रिस्पॉन्सिबल सेल्फ के लिए अडल्ट लर्नर क्या होते हैं, खुद ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं अपनी सक्सेस के लिए, अपने फेलियर के लिए। उनकी जो लर्निंग में जो सक्सेस आएगी, लर्निंग में जो फेलियर आएगी, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी अपने आप की होती है। ठीक है, समझ आई आपको बात? जी जी मैम, मैम, अभी मैं एक बार टाइम बताना, नेक्स्ट टॉपिक शुरू करूँ या फिर 8:24 हो गए मैम, नहीं होगा। 8:24 हो गए? ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक वैसे अपना है, एक बार मैं थोड़ा सा इंट्रो करवा देती हूँ। टाइप ऑफ लर्निंग हमें करनी है, ठीक है, अब यहाँ से थ्योरी शुरू होएंगे आपकी। ठीक है, टाइप ऑफ लर्निंग, लर्निंग हम कितने तरीके से करते हैं, ना, लर्निंग के क्या क्या टाइप है, किस किस तरीके से हम लर्निंग कर सकते हैं, ये कुछ बेसिक बताया, बिल्कुल छोटे छोटे से है ये, तो नहीं मैं आपको बता दूंगी, ये तो इसमें तो कुछ खास नहीं है, लेकिन मेन जो आपके है ना, ये थ्योरीज है। थ्योरी में भी ये बहुत सारी थ्योरी के मैंने यहाँ पे नाम लिखे हुए हैं, इनमें से भी कुछ सिलेक्टिव थ्योरीज आपको करवाई जाएंगी। ठीक है, एक थ्योरी तो यही होगी आपकी, ठीक है, एक तो ये होगी, नेक्स्ट थ्योरी क्या होगी आपकी, बी एफ स्किनर की होगी, कंडीशनिंग वाली। दो, थर्ड होगी ट्रायल और एरर वाली, उसके बाद आएगी आपकी, ठीक है, थर्ड होगी, सेकंड ये हो जाएगा, चार, हाँ चार थ्योरीज हम करेंगे। चार थ्योरी करने के बाद आपका ये चैप्टर क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो मेरे को ऐसा लगता है 2 दिन और लगेंगे शायद इसको करने में, 2 थ्योरी 1 दिन में हो पाएगी, क्योंकि थ्योरी को एक बार समझना है और फिर इसके क्वेश्चन आप अपने आप कर सकते हो, सिर्फ एक स्टोरी की तरह समझ नहीं है। पहले वही है कि पहले एक स्टोरी सुनाई जाएगी आपको, एंड देन आप उसको समझ पाओगे कि इसके अंदर हुआ क्या है, क्या चीज बोलनी गई है, किस तरीके से लर्निंग सिखाई गई है। लर्निंग करने के ना बहुत सारे तरीके होते हैं, वो आपको डिटेल से करवाऊंगी मैं कल, बड़े आराम से अपने माइंड को अच्छे से शार्प करके आना, बिल्कुल मजे से आना कल की क्लास में, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक होगा कल। स्क्रीन प्रेजेंट करती हूँ मैं मेरी, 1 मिनट को, मैं पीपीटी गड़बड़ होगी क्या, टीडी मीटिंग नहीं हो रही। मैम, पावलो जो है, इवान पावलो, इसका तो साइकोलॉजी में है ये। हाँ, ये जो साइंटिस्ट है ना आपके, इन्होंने हाँ टीचिंग में, साइकोलॉजिकल में बहुत काम किया है, आपको बहुत जगह देखने को मिलेंगे इनके काम, इन्होंने मल्टीपल फील्ड के अंदर अपना क्या किया, काम किया हुआ है। हमको थोड़ा बहुत इसका रेफरेंस था, एमए केस में था इसके लिए। हाँ जी, तो आप सभी बताओ मेरे को पहले फटाफट कि अभी क्या दिक्कत आ रही है, कोई प्रॉब्लम, पहले मेरे को जो प्रॉब्लम आ रही है ना आप वो बताओ, नहीं सबसे पहले ये बताओ कि आज का टॉपिक समझ आया कि नहीं। हाँ आ गया मैम। यस, मैम, आ गया। आई कैन जी, ठीक है, ठीक है, बिल्कुल फर्स्ट क्लास। हाँ जी।